बीच शादी में इस शख्स ने निकाला दुल्हन का घूंघट, फिर जो हुआ चौंका देगा आपको। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कोरोना की जांच कर रही थी। एक नवविवाहिता महिला अपनी जांच कराने केंद्र पर पहुंची। जांच अधिकारी को महिला के नाक और मुंह के सैंपल लेने थे, लेकिन नई नवेली दुल्हन किसी भी हालत में घूंघट उठाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के चलते गांव-गांव में संक्रमण फैल रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया है। इसे आदेश ये है कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों का टेस्ट करें। कोरोना टेस्ट के लिए अलीगढ़ के टप्पल इलाके के साहानगर सरोला गई हुई थी टीम। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक दुल्हन सामने आई जो कि अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटा रही थी। इसके बाद लैब टेक्नीशियन सौरभ अत्री ने महिला से कहा घूंघट हटाए। जहां जांच की जा रही थी वहां सामने कुछ बुजुर्ग लड़के थे। वो नई नवेली दुल्हन घबरा रही थी और महिला ने सैंपलिंग टीम से अपना घूंघट हटाने और सैंपलिंग देने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और वह एक करेक्ट वजह नहीं बता पा रही थी। लेकिन आपको ये बता दें कि सैंपलिंग टीम ने जैसे ही गांव वालों को महिला के सामने से हटने की बात कही तो वहां खड़े गांव के युवकों ने कोविड टीम पर हमला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ टप्पल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।